मामला ग्राम बरवीट तहसील पीटलावत का है, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्री प्रतीक्षालय ग्राम सेवक भवन पर कब्जा संबंधी शिकायत की गई। शिकायत में एसडीएम महोदय द्वारा पूर्व में दंड प्रक्रिया करते हुए 30,000 रुपए का दंड भी लगाया गया, फिर भी दबंग ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए फिर से यात्री प्रतीक्षालय पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीण जनों ने फिर 16 सितंबर 2019 को पीटलावत अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम से आवेदन दिया। ग्रामीण जनों का कहना है कि बरवीट में बस स्टैंड के प्रतीक्षालय और ग्राम सेवक भवन पर भूमाफियाओं अतिक्रमण द्वारा कब्जा किया हुआ है। ग्राम सेवक भवन के सामने पक्का निर्माण कार्य चल रहा है और गुमटी व ठेला गाड़ी लगा रखी है। भवन के सामने पूरा भाग रोक लिया गया है। कई लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी सामने से पूरा रोक लिया गया है। यात्रियों को अंदर जाने की जगह नहीं है। ठंड गर्मी बरसात में यात्री, यात्रा करने वाले, औरतें और बच्चे काफी परेशान होते हैं। एक बार फिर ग्रामीण जन पेटलावद तहसील पहुंचे और फिर आवेदन देकर अधिकारियों को अवगत करवाए कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण जनों ने अधिकारी से चर्चा करते हुए कहा कि प्रतीक्षालय के आसपास जो अतिक्रमण किया गया उसके विरुद्ध जल्द कार्रवाई करें और बस स्टैंड के समस्या के बारे में दिनांक 10 सितंबर 2017 को भी कई समाचार पत्रों में समाचार छपे गए थे, फिर भी दबंगई द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। और फिर ग्रामीण जनों ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि आप स्वयं मौके पर पधार कर जांच कर जनहित में दोनों पक्षों से अतिक्रमण हटवा कर जनता की सहायता करें। तीन बार, चार चार बार हमने दे चुका कागज और उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमारा यही है कि हमारा ग्राम पंचायत अच्छी रहनी चाहिए और हमारा जो भी है जो प्रतीक्षालय उसमें भी कब्जा कर रखा है उन लोगों ने, तो वो भी हटाया जाए। हमारे अतिक्रमण हटा के हमारा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा, हमारी पंचायत अच्छी रहे, इसलिए हम कर रहे हैं। जो हमारे निजी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सब अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। किसने किया कब्जा? कब्जा कर रखा है जो एक राजू मक्षा करके राजेश पाटीदार है, और एक जगह कोई वो जो दूसरे बल्लू कोई है उसने कर रखा है, दुकान लगा रखी। और हमारा कुछ कोई बैठने की जगह भी नहीं। पहले कई कार्रवाई की थी आप लोगों ने? पहले हमने तीन बार कर दी कार्रवाई, इसलिए हम अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमारा कोई भी सफल अच्छा हो और हमारा ये अतिक्रमण हटा दिया जाए। हमारा है गांव बरवेट में प्रतीक्षालय बना हुआ सार्वजनिक, उसको लोगों ने रोक रखा। दूसरी बात, ग्राम सेवक भवन है उस पर अतिक्रमण कर एक सामने दुकान बना दी पक्की, जबकि इसके पहले हमने काम चालू था, आवेदन दे रखा है, अभी तक उसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। पहले कई आवेदन दिया था आपने? आवेदन दिया था हमने एसडीएम साहब। तो क्या हुआ उसमें, क्या निराकरण हुआ? इसके बाद यहाँ से आदेश हुआ तहसीलदार साहब सारंगी, उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये क्या है, इसको 30,000 रुपये जुर्माना, इसे डिसमेंटल किया। इसके उपरांत भी मतलब वो काम वापस पुनः चालू कर दिया, जो बची जमीन थी उसके ऊपर। झारखंड से संदीप खत्री की रिपोर्ट।